उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में 21 फरवरी की रात हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 80 घंटे में नवविवाहिता की हत्या के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी निकला। पुलिस के चंगुल में फंसे प्रेमी सतीश ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह और मृतका लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे थे। युवती लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने का दबाव बना रही थी। वह शादीशुदा थी, जिसके चलते प्रेमी उससे दूरी बनाना चाह रहा था। रास्ते से हटाने के लिए घटना के दिन प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जहां शारीरिक संबंध बनाए, फिर सिर पर नुकीले वस्तु से वार कर मरणासन कर साड़ी से गला दबाकर युवती की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर सर्विस लांस की मदद से आरोपी तक पहुंची और हत्या के खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिस समय महिला की हत्या की गई, वो अपने मासूम बच्ची के साथ कमरे में सो रही थी। मासूम के रोने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। देखिए, महिला ये इसके पति 3 साल पहले बाहर जॉब करने चले गए थे। ये अपने अक्सर मायके में रहती थी। 5 फरवरी के आसपास ये अपने ससुराल में वापस आई थी और इसका जो वहाँ अपने मायके का एक लड़का था सतीश, उसके साथ में रिलेशनशिप बन गया था। किंतु सतीश जो था वो मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए रिलेशनशिप रखना चाहता था और जो पीड़िता है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों विवाद हो गया। तो सतीश को लगा कि ये हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और इससे हमारी सोसाइटी में दिक्कत होगी, आगे उसका फ्यूचर प्लान डिस्टर्ब होंगे। तो इसी दिन वो रात को एक दिन आया और लड़ाई झगड़ा उससे किया और उसने उसकी हत्या कर दी।